और उनकी कहाँ है, बहुत जने हैं देखा और सूची अंग्रेजी से धरे, चेहरा हम चिन्ही सब कहे पे सूची अंग्रेजी से धरे हैं, अंग्रेजी के विरोध हम हमेशा करें थे, अंग्रेजी हम का बोलत कबों न सुने हो, जानी थे लेकिन बोलित नहीं, समझ ले हमारे कहावी के मतलब। यहाँ विराजमान हमारे नगर पंचायत चाकघाट के सभी सम्मानित पार्षदगण, जिन्होंने अपने अपने वार्डों में अथक परिश्रम करके संघर्ष करके जनता जनार्दन ने उन्हें ये दायित्व दिया जनमानस की सेवा करने का, ऐसे सभी आदरणीय पार्षदगण, सामने विराजमान आदरणीय बच्चा जी, निमलेश जी, सतीश जी, दिनकर जी, आपको क्या कहें। ये धारणा और योजना थी कि मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के तहत चाहे ग्राम पंचायत हो चाहे नगर पंचायत हो, नगर पंचायत के वार्ड वार हमारे शिविर लगेंगे और वार्डों हर वार्डों में शिविर की स्थापना की जाएगी, शिविरों में जो संबंधी हितग्राही जन हैं वो आएंगे और अपनी व्यथा कथा आवेदन के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे और जिस कार्य से जो व्यथित है उसका वहीं पर समाधान होगा, वहीं आवेदन लिए जाएंगे, पात्र पात्र वहीं डिक्लेयर कर दिया जाएगा और योजना का लाभ प्रत्येक हितग्राही को वहीं प्राप्त हो जाएगा, ये सूचना हो जाएगी वहीं। ये व्यवस्था थी हमारे नगर पंचायत में, ये कार्यक्रम हुआ वार्डवार कि नहीं हुआ कोई बताने का कष्ट करेंगे, हुआ है हर वार्डों में, हर वार्डों से हितग्राहियों के आवेदन प्राप्त किए गए हैं, इसीलिए 2023 आवेदन नगर पंचायत को प्राप्त हुए जिसमें 2000 के करीब पात्र हितग्राही शामिल किए गए जिनको आज योजनाओं का लाभ मिलने वाला है। इसके लिए मैं नगर पंचायत अध्यक्ष जी को, सीएमओ जी को और सभी सम्मानित अपने पार्षदों को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, बधाई देता हूं और ये आग्रह करता हूं कि जिस वार्ड में उपस्थिति कम रही हो या ये महसूस किया जा रहा हो कि इस वार्ड के हितग्राही कम आए हैं, वहां दोबारा भी कैंप लगा के और जो बिछड़े हुए लोग हैं, जो चूक गए हैं, उनको भी शामिल करके योजना का लाभ प्रदान करने का कष्ट करें, ये मेरा सुझाव और बड़े ही विनम्रता पूर्वक आग्रह है, जिससे माननीय मोदी जी, माननीय शिवराज जी चौहान की जो ये महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं कि अंतिम छोर में खड़े हुए हितग्राही को हम लाभ देंगे, वो उनकी मंशा उनकी योजना को पूरा करने का काम हम सबको दायित्व जाता है। आप जानते हैं माननीय मोदी जी कब भोजन करते हैं कब सोते हैं, माननीय शिवराज जी कब भोजन करते हैं कब सोते हैं, पूरी दिन और रात ये दोनों महामानव देश की सेवा में, मानव की सेवा में अपने आप को 24 घंटे अर्पित करते हैं, तब जाके आज चाहे हमारा मध्य प्रदेश हो चाहे हमारा भारत देश हो, सुधरा सुधरा और विकसित देश और विकसित प्रदेश की श्रेणी में हमारा मध्य प्रदेश पहुंच रहा है। मित्रों, हम सबका दायित्व तो है कि यदि हमारे नेता दिन रात जूझ रहे हैं, हमारा संकल्प, हमारी पार्टी और हमारी नेताओं के विचार के अनुकूल यदि हम समझते हैं मानते हैं, तो हमारा एक एक सिपाही, एक एक पदाधिकारी, एक एक कार्यकर्ता दिन रात समय निकालकर जनता जनार्दन की सेवा में लगे और जो भी उसकी आवश्यकताएं हैं उनको जानकर संबंधित विभाग में जाकर क्रियान्वयन करे और समस्याओं का समाधान करे, ये बड़ी ही विनम्रता पूर्वक से मैं निवेदन कर रहा हूं। मित्रों, स्थापना दिवस, मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई थी, तब से लेकर आप दृष्टिपात करें, लेख पढ़ें, पत्र पत्रिकाएं पढ़ें,
ये मूल्यांकन आपको हो जाएगा जब आप अध्ययन करेंगे कि 1956 का मध्य प्रदेश कैसा था और आज का 2022 का मध्य प्रदेश कैसा है। इसका मूल्यांकन, इसके संबंध में दृष्टिपात हमें करना ही चाहिए। पीछे मुड़कर सिंहावलोकन करना चाहिए। शेर की ये चाल हुआ करती है कि शेर चलते चलते कुछ दूर जाता है, फिर थोड़ा पीछे भी मुड़ के देखता है। ये शेर की प्रकृति है। हमारे प्रदेश में रहने वाले लोग, हमारे देश में रहने वाले लोग शेर हैं और ये माताएं बहने वीरांगनाएं हैं। इनका काम है कि आगे बढ़ते बढ़ते थोड़ा पीछे भी दृष्टिपात कर लिया जाए कि कहीं कोई चूक तो नहीं हो रही है। ये हमारा आपका नैतिक कर्तव्य है। और आप सब हमारे साथी भी अभी हमारे संबंध में इतनी बातें बताएं, हमारे साथियों ने बड़ी तारीफ किया श्यामलाल की। मैं निवेदन करना चाहता हूं, श्यामलाल के माथे कुछ भर नहीं आए। अभी तक श्यामलाल के माथे कुछ नहीं हो गया, आज कैसे हो गया? आज इसलिए हो गया कि आप सबका आशीर्वाद रूपी हाथ श्यामलाल के पीठ पर रखा है, इसलिए विकास कार्य करने का थोड़ा बहुत प्रयास किया। आज जनता जनार्दन का आशीर्वाद और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, पदाधिकारियों की प्रेरणा मेरे लिए शक्ति बने, ढाल का काम बने और क्षेत्र में अवरोध करने वाले कार्यों को परास्त करके विकास की दिशा में अपने क्षेत्र को लाने का काम किया, वो आपके आशीर्वाद से, मेरा उसमें कुछ नहीं। नमामि गंगे अमृत योजना से जोड़कर इसकी एक ऐसी व्यापक रूपरेखा बनाई जा रही है जिससे जब भी गंगा की बात चर्चा चलेगी तो हमारे तमसा नदी को भी एक बार स्मरण किया जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ तट और गंगा की स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए तमसा नदी में मिलने वाली गंदगी को दूर करने के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास किया जा रहा है। विधायक जी अपने स्तर पर इसके बारे में कई बार वरिष्ठ अधिकारियों से और शासन प्रशासन के जिम्मेदार लोगों से चर्चा कर चुके हैं।